सुबह शाम के 5:30 बज गए हैं और हमें लेट हो रहा है। हम निकल रहे हैं हाइटी के लिए और मैंने अपने कपड़े बदल दिए। मैंने सिंपल सी ये टी शर्ट और ये जॉगर पहना हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी रखी है। थोड़ा अच्छे से पहनने का, लाइट पहनने का मन था तो मैंने पहन लिया। तो चलते हैं चाय के लिए। हम हाई टेक के जा रहे हैं पर इतनी दूर है ना सब कुछ कि काफ़ी चलना पड़ता है। हमें ई रिक्शा बुलाया था पर उसकी वेटिंग थी तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। तो बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली हमारा रेस्टोरेंट जो हमारा रूम है वो दूसरी साइड पड़ता है और रेस्टोरेंट मतलब नेक्स्ट एक उसके बिल्कुल अपोजिट ही है तो थोड़ा दूर पड़ता है तो इसे चलने में दिक्कत होती है। और लेकिन ई रिक्शा की फैसिलिटी है यहाँ पर अभी तक आया नहीं है तो हम पैदल ही जा रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कि इन्होंने हाई टी में क्या क्या दिया है हमें। A few moments later. पी लेते हैं ना फिर खत्म हो जाएगा। 6 बज गया। पकड़ो उसको। ये यहाँ पर चाय पीने के बाद एक आध फोटो खिंचवा देंगे। हाँ यहाँ पर चाय पीने के बाद ना एक आध फोटो खिंचवा देंगे। अच्छा है। अच्छा 5 मिनट नहीं लगाए इनको सोने में। इनको जाते हैं लेट के सोने। इतना कम पानी है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि चाहे इतना पानी इसमें कम हो गया। हम लोग ठंडक में आए थे इतना ज़्यादा पानी था, पानी का फ्लो था यहाँ पर, अब कितना कम हो गया है। और यहाँ पे ऐसे है, लेक है ये, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। हाँ तुम चलो मैं आ रही। ये देखो बहुत कम पानी है, देख लो। नमेश मेरा और मौसम भी गर्म ऐसा नहीं है, ह्यूमिडिटी है पर थोड़ा सा वेदर ठीक है एज कम्पेयर टू दिल्ली, पर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। शाम की चाय हो गई है और हम जा रहे हैं बच्चे वहाँ पर झूला झूल रहे हैं। बच्चों का प्लेग्राउंड है छोटा सा तो उनके पास जा रहे हैं। और अब 7 बजे से यहाँ पर लाइव म्यूजिक स्टार्ट होगी तो देखते हैं वो कैसी होगी। हम लोग स्विंग कर रहे हैं माँ बेटे। व्यू है हमारे सामने, हमारे झूले के सामने ऐसे बैठे हुए हैं, मजा आ रही है। ये हम अपने जो रूम के पास वाला पूल है वहाँ पर जा रहे हैं तो हमारा रूम ये पूल बहुत पास में है रूम के। तो पहले वाला पूल थोड़ा दूर था तो आज हमने सोचा कि ये बहुत थकान सी हुई थी तो पास वाले पूल में बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। तो बच्चे भी घूम लेंगे और हम बैठ जाएंगे तो वहीं पर जा रहे हैं। ये पूल यहाँ का पानी कंपैरेटिवली साफ है ना,
साफ है यार। हाँ पर यहाँ पे बड़ी चेयर नहीं पड़ी है बैठने वाली। मत जानो वहाँ पर क्यों जा रहे हो, मत जानो नहीं, मत जाओ इतनी दूर, मत जाओ, आओ जल्दी आओ, डरपोक बस अब आ जाओ बेटा आ जाओ, अरे अब इंजॉय, अब हम अब आ जाओ, चलो चलो बस अब आ जाओ। 1 hour later ये चल रहा है मेरा ब्लॉग, और हमने आज रिक्वेस्ट किया है क्योंकि हमारे पास हमेशा ऐसा समय नहीं होता कि भाभी आज हम आप बैठ करके आपके सारे व्लॉग्स देखेंगे और जो भी है उसमें हम अपना पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फीडबैक्स वगैरह सब देंगे। हम ऑलरेडी भाभी के 5-6 व्लॉग्स देख चुके हैं और जो भी था हमने बोला उनको, बाकी आप लोग भी हैं सब, जो भी ऑनेस्टली होगा भाभी को बताना है हमें। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि सारे व्लॉग्स बड़े ही नेचुरल हैं, रियलिस्टिक हैं और बहुत ज़्यादा इनमें एडिटिंग नहीं है जो व्लॉग्स को कभी कभी फेक सॉर्ट ऑफ टच देती हैं। थैंक यू सो मच भैया, मेरा व्लॉग चल रहा है एंड वी आर हैविंग अ गुड क्वालिटी टाइम। मेरा व्लॉग देखा जा रहा था इसके लिए स्टोरी टाइम का, तो भैया को अपने भी कुछ एक्सपीरियंस याद आ गए, वो चाहते हैं शेयर करना, तो सुनते हैं उनकी कहानी। ये इनकी सर्जन है डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार सिंह है, गरिमा जी मेरी भाभी हैं, बहुत अजीज दोस्त है विवेक श्रीवास्तव, उसकी जिनकी ये मिसेज हैं, बहुत समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ मैन ऑफ साइंस और पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, कोई डोनेशन वोनेशन नहीं है, मैरिट है हर जगह। तो ये बात, मैं अभी ऐसी ब्लॉग देख रहा था भाभी का, स्केरी स्टोरी टाइम ऑफ माई विलेज एंड डियर सिटिंग इन कॉर्बिट, कॉर्बिट नेशनल पार्क इन अ वेरी गुड रिसोर्ट। तो मैंने क्या देखा कि चीज़ें सुन के मेरे पास एक ऑड वन आउट इंसिडेंट्स है, उसको शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा लोग सुने इसे। इसलिए नहीं कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जिसमें किसी साइंस का, हाँ तो मैं इस चीज़ को सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आज ऐसे बैठे बैठे डिबेट देख रहे थे स्केरी स्टोरी टाइम, भाभी ने बनाया है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा शेयर करूँ जो बड़ा स्ट्रेंज सब ले लाइक, चूँकि आई एम अ मैन ऑफ साइंस तो मैं इस बात को तो बिल्कुल झुठला नहीं सकता कि कुछ भी सुपर नेचुरल अननेचुरल चीज़ें हमें बिलीव करनी चाहिए, और साइंस इज गॉट एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग, बट समटाइम्स देर इज समथिंग सम फोर्स विच इज़ बियॉन्ड इट एंड टिल द टाइम यू डोंट एक्सपीरियंस इट देमसेल्व्स यू विल नेवर हैव कन्विक्शन टू टॉक अबाउट इट एंड टेल अबाउट इट। तो दिस हैपन टू मी इन ईयर 2012, या माय वाइफ शी इज हियर डॉक्टर देविका, वी वर इन सफदरजंग हॉस्पिटल्स डूइंग आवर रेजिडेंसीज, सो वी वेंट टू जयपुर फॉर अ ट्रिप टू वन ऑफ आवर वेरी डियरेस्ट फ्रेंड एनिवर्सरी वेडिंग नॉट वेनी रिंग सेरेमनी टू बी वेरी फ्रेंक। तो उधर गए और उधर गए चौकीदानी, अच्छा चौकीदानी गए जो जयपुर की चौकीदानी है वहाँ से आए, एवरीथिंग वाज गुड। मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस में तब सेकंड ईयर में था, आई वाज अबाउट टू फिनिश ऑफ माय सेकंड ईयर, मैं वहाँ से आया और मुझको थोड़ा बहुत बुखार रहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती थी मुझे,
मैंने थर्मोमीटर से मेजर किया तो मुझे कभी बुखार होता था कभी नहीं होता था। अब कोई लेमेन आदमी तो मैं हूँ नहीं, तो वो जब बुखार होता था तो मैं हमेशा उसे नापता था, देखता था, दवाइयाँ खाता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सेल्फ मेडिकेट कर रहा हूँ, तो फॉर्चुनेटली जो मेरा रूममेट था वो खुद एक एमडी मेडिसिन का पोस्ट ग्रेजुएट था। मैं उसके थ्रू उसके एचओडी को दिखाने गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। उन्होंने मुझे बोला बेटा शायद तुमको मलेरिया हो सकता है, और मुझे मलेरिया की दवाइयाँ दी। शायद आपको टाइफाइड हो सकता है, मुझे टाइफाइड की दवाइयाँ दी। बड़ा स्ट्रेंज था, और इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको सुनो नहीं आपसे। मैंने वो सब खाया मगर मैं ठीक फील नहीं करता था, प्रॉब्लम तो थी मुझे। मैं एक दिन रेडियोलॉजी, आप समझते हैं ना रेडियोलॉजी जो सीटी स्कैन हमारा ये वगैरह करते हैं, मैं उन डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला कि सर सबने मुझे मेरा इलाज किया है, मेरे टेस्ट कराए हैं, कुछ आ नहीं रहा है। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लक्षण ट्यूबरक्लोसिस के हो सकते हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बिजी हॉस्पिटल्स में से एक में काम करने के बाद, जहाँ खुद आप इतने ट्यूबरक्लोसिस से एक्सपोज होते हो, मुझे कोई गलत धारणा नहीं है कि ये मुझे नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स को हो जाता है टीबी कभी कभी। तो सर ने मुझे बोला बेटा तुझे पता है मैंने कितने डॉक्टर्स को टीबी डायग्नोज किया है? सर बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट थे। मैंने बोला सर कितने? बोला 45 तो मैंने डायग्नोज किया। तो तू ये जो एक्सरे कराने आए तो एक्सरे छोड़, तू सीटी कराने आई। मैं फास्टिंग रखी मैंने थोड़ी 5-6 घंटे की, मैं सीटी कराने गया। मैंने सीटी कराया, मेरा सीटी एकदम नॉर्मल। सीटी में हमें सब सेंटीमेट्रिक लिम्फ नोड्स देखने होते हैं, कहीं है तो नहीं ट्यूबरक्लोसिस, हाइलर लिम्फ नोड्स, मेडियास्टिनल लिम्फ नोड, कुछ नहीं। अब आप सोचें, दवा दारू दुआ तीन चीजें होती हैं। तो दवाइयां मैंने पूरी खा ली, दारू का कोई रेलेवेंस नहीं है इससे, ना मैं पीता था उस समय तक। अब क्या लगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रहा था और मेरा पीजी का सबसे मेन टाइम, मेरा फाइनल ईयर मेरे सामने था, जिसमें हमें काफी पढ़ाई करनी होती है और उसके बेसिस पे ही हम पास होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया तो मैं एक दुआ का भी रास्ता अपनाऊं। मुझे पता था कि दिल्ली में जो मेरा घर है, जहाँ मैं रहता हूँ, इस दिल्ली में रहता था पहले, उस घर के बगल में एक आंटी रहती थी, अंकल आंटी बोलते थे हम उनको। उनके जो ब्रदर साहब थे वो हाथरस में कहीं पे एक अच्छे लेवल के पुजारी थे, और मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था। अच्छा। तो मुझे कहीं से वो दिमाग ध्यान में आया, और मुझे ये भी ध्यान में आया कि मेरे घर के ठीक सामने, वो घर तो मेरे बगल का है जिनके रिश्तेदार हैं वो, एक मेरे सामने ही था, वो भी विख्यात पंडित जी हैं। तो उस दिन मैंने क्या किया, मैं अपने सफदरजंग हॉस्टल से बस पकड़ के वहां गया। वहां जाके मैंने कहा इन दोनों विद्वानों से मैं मिलूंगा, और मैं एक बार बस ऐसे ही बताऊंगा कि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, हाँ। और मैं अच्छा फील नहीं करता, हाँ। कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं बगल मेरे, उस दिन क्या हुआ, मेरी मदर जो है वो गेट को लॉक करके कहीं गई होगी, तो मेरे पास घर में घुसने के लिए चाबी नहीं थी कुछ समय के लिए। तो मैं बगल वाली आंटी जी जिनके जो ब्रदर साहब है हाथरस में प्रैक्टिस करते थे, उनके पास बैठ गया। और मैंने बोला आंटी जी मेरी ना आप बात करा दीजिए अपने भाई साहब से। आंटी जी ने एक सेकंड में मेरे को फोन मिला के दे दिया, बेटा ले बात कर। अब मैं उन्हें मामा जी बोलता था, तो मामा जी से मैंने बात की, तो मामा जी ने बोला अच्छा ऐसी बातें, बोला अभी फोन नहीं हटाना, हाँ। और मैं कुछ तेरे को बोलूंगा, बस रिपीट कर दियो थोड़ा बहुत। तो मुझे याद है कि उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, अच्छा, हाँ, संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़े उन्होंने, और शायद 2 या 3 मंत्र थे वो, 1-2 मिनट का था। उन्होंने मुझे कुछ बोला ऐसे बोलो, फिर 1-1 मिनट का था, फिर 1-30 सेकंड का था। बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट मैंने तो इस चीज को भोगा है, हाँ। जैसे ही वो कन्वर्सेशन खत्म हुई, मेरे शरीर में एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ कि मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया। अच्छा। और ये बीमारी साइकोलॉजिकल थी ही नहीं, इस बीमारी में मुझे बुखार आता था, हाँ।
मैं बुखार नापता था, मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती थी। एज अ मैन ऑफ साइंस मैंने सारे साइंटिफिक मेजर्स किए और मेरी कोई साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी नहीं थी, मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा ट्रबल नहीं था कि मैं इस चीज़ को लेकर के ऐसा सोचने लगूं। मैं सिर्फ किसी दुआ के चक्कर में इसलिए फंसा क्योंकि मैंने सारी दवा करा ली थी, सब कुछ करा लिया था मैं। एज अ वाइज मैन मैंने यही सोचा कि अब मैंने सब कुछ करा लिया है, आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेल। हो सकता है शायद आप इसको ऐसे जोड़ें कि मैं शायद साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ, मेरी काउंसलिंग करता ही हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी जब से प्रॉब्लम शुरू हुई थी हर एक चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट किया कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि दुआ ने मुझे ठीक किया। जब मैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करने लगा तो मेरे पास एक सोनी का डिजिकैम होता था, उस डिजी कैम से मैंने कुछ फोटोज ली थी। तो जब मैंने फोटोज को डाल करके लैपटॉप में एनालाइज करना शुरू किया तो मेरी एक फोटो थी जो चौकी रानी की फोटो थी और मैं वहां पे एक डांसर के संग डांस कर रहा हूँ। लगातार दो फोटोज में इट वॉज नॉट फ्लैश। अच्छा, इट वॉज नॉट फ्लैश, वो एक फ्लैश नहीं है ना। हाँ। वो कोई बैकग्राउंड लाइट है। हाँ। There was something in those photos. अब वो somethings मैं आपको दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, और आप भी इस चीज को समझेंगे कि जैसे ही मैंने उनका सस्पिशन समझाना, मैंने उस पूरी की पूरे वाक्य को इरेज कर दिया तुरंत। अच्छा, रिसाइकल बिन से हटाया। अच्छा। उस मेमोरी कार्ड को इरेज किया। इतनी सारी पिक्चरें हैं, मैं बिग मैन ऑफ हॉरर मूवीज, पर इसको मेरी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी और इससे एनालाइज करके मत देखिए। ये कुछ ऐसी स्ट्रेंज चीज हुई थी मेरे साथ जिसके बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे हमेशा एक चीज समझ में आती है कि शायद मेरे जैसे आदमी को आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि मैं किसी भूत प्रेत पे विश्वास करता हूँ, मगर मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल झुठलाना नहीं चाहता जो जीवन में मैंने खुद एक्सपीरियंस किए। उन तीन मंत्रों के अलावा मेरी जो डॉक्यूमेंटेड फीवर है, डॉक्यूमेंटेड फीवर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, फीवर आता था 99.7 मरकरी थर्मोमीटर से 100, मैंने एंटी मलेरियल्स ली, एंटी टाइफॉइड ली, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेना हो इसके लिए भी मैंने शिद्दत की, बट वो तीन मंत्रों ने मुझे ठीक कर दिया। उससे पहले और उसके बाद जीवन में मेरे संग ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इमेजेस मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं नहीं जानता ये क्या था, मगर ये इन टोटालिटी एक ऐसी चीज मेरे संग हुई है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। कभी ऐसे कि जो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती इसका मतलब नहीं कि वो आप इसका अस्तित्व नहीं है, दुनिया में है नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अस्तित्व है और जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं और जानना चाहते हैं पर कोई सोर्स नहीं उनको जानने का। तो सिर्फ आस्था और विश्वास के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। और नमिश क्या लौटेंगे खा रहे हो पीछे से तुम? तो आज भैया ने अगर कुछ बात बोली है तो उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि ये तो ऐसी फील्ड्स है जहाँ पर इन सब बातों का कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी बात चली थी तो काफ़ी मज़ा आया, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। और इस समय सुबह हो गई, सुबह कितनी तेज धूप है। तो हम निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा पैक वैक पैक करेंगे फटाफट, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो आपसे मिलते हैं, हम जा रहे हैं बैक टू होम। हम आए हैं
अब ये दिल्ली वाइब्स होटल रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, और काफ़ी लंबी जर्नी हो गई थी तो सोचा थोड़ा ब्रेक ले लिया, कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ खाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा है, तो अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, काफ़ी सारा खाना हमने ऑर्डर किया, काफ़ी पेट भर गया था हमारा। उसके बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की थी और एक दो घंटे में हम घर पहुंच गए थे। तो काफ़ी अच्छी ट्रिप थी, ज़्यादा टाइम की नहीं थी, छोटी सी थी पर बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही मज़ा आई हम सबको। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।